हेलो टीम, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीमियम कंटेंट क्रिएटर द सास बेस। तो इसका जो है ना फ्रंट एंड है, तो यहाँ पे आपको ट्राई फॉर वंस करना है, एक्सप्लोर करना है, लॉग इन रजिस्टर करना है, वो हो जाएगा। यहाँ पे फीचर्स इसके देख सकते हो, क्या फीचर्स है वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। टेक्नोलॉजी हमने क्या क्या यूज किया वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, चेक भी कर सकते हो। फीचर के क्रिएटर कौन है वो आप देख पाओगे, और यहाँ पे FAQ आपको डालने हैं, कुछ पेजेस हैं जो आपको मैनेज करने हैं, वो सारा हो जाएगा। सिंपली लॉग इन रजिस्टर करना है, अपने आप को लॉग इन रजिस्टर कर सकते हो। मैंने एज ए एडमिन इसमें लॉग इन रजिस्टर किया हुआ है अभी। तो आपको कोई फीड क्रिएट करनी है या आपको फीड चेक करनी है वो आप कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। आप फीड वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आप सारी फीड देख सकते हो। सजेशन आप यहाँ पे देख पाओगे, ये हमने कुछ यूजर भी बनाए हुए हैं। यूजर में मैंने क्लिक किया तो यूजर आईडी, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप इमेजेस डाल सकते हो, बैनर डाल सकते हो। यहाँ पे आप टिप्स सेंड करनी है, चैट स्टार्ट करनी है, इसके साथ ऐड आपको लिस्ट में ऐड करना है, कॉपी करनी है प्रोफाइल यूआरएल, वो कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप इसका पोस्ट देख पाओगे, जो भी पोस्ट है आप पोस्ट में यहाँ पे लाइक कमेंट टिप आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका ये फीड वर्जन रहेगा, जैसा फेसबुक इंस्टाग्राम पर फीड वर्जन रहता है वैसा रहता है। तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट रहेगी उसका डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, किसी अदर यूजर के पे भी जाना है, अदर यूजर पे जाओगे तो अदर यूजर का यहाँ पे पूरा देख पाओगे, और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो उसने क्या डाला है क्या नहीं डाला है, वो पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये देखिए अभी ये जो यूजर हमने बनाया ना, केवल मैनुअली बनाए हुए यूजर, डेमो यूजर है ये। अपने यहाँ पे सर्च करना है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कोई भी यूजर। नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन देख पाओगे, मैसेजेस आपको देखने हैं, मैसेज देख पाओगे। बुक मार्क है, तो ये सारे बुक मार्क्स आप यहाँ पे आ जाएंगे। लिस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने फॉलोइंग है, कितने ब्लॉक है वो आप यहाँ पे देखो, कितने पीपल हमने फॉलो किए, कितने पोस्ट हमने फॉलो किए वो देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन पैकेज हमने लिया है उसका आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे माई प्रोफाइल्स में आपको चेंजेस करने हैं, माई प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। अकाउंट का पासवर्ड वगैरह आपको डालना है, वॉलेट को मैनेज करना है, एड फंड करना है, डिपॉजिट करना है, विदड्रॉल करना है, सारे ऑप्शंस वर्किंग है। पेमेंट में यहाँ पे आप सारा पेमेंट का ट्रांजेक्शन डेटा देख सकते हो, यहाँ पे रेट देख सकते हो कि मंथली सब्सक्रिप्शन का क्या प्राइस है, 6 मंथ का क्या है, वो सारा हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन का देखना है वो आप देख पाओगे। नोटिफिकेशन है, प्राइवेसी पॉलिसी, वेरिफिकेशन है, वेरीफाई कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन है। यहाँ से अपने आपको वेरीफाई भी कर पाओगे। इसके बाद माई प्रोफाइल्स में आपको चेंजेस करने हैं, वो प्रोफाइल्स में आपको ऑप्शन आ जाएगा, वो प्रोफाइल देख सकते हो। अभी एज ए सुपर एडमिन में आ चुका हूँ क्योंकि मैंने प्रोफाइल पर सिलेक्ट किया था। मोर पर जाएंगे तो बुक मार्क वगैरह, डार्क थीम, लैंग्वेज वगैरह उसको चेंजेस करना है वो हो जाएगा, उस सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो होम पेज पर वही आ जाएगा फीड वर्जन, यहाँ से आप पूरा फीड देख सकते हो, पेजेस मैनेज कर सकते हो, सारा आ जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सुपर एडमिन। सुपर एडमिन में आप यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। एक सेकंड दीजिए, तो सुपर एडमिन में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका डैशबोर्ड रहेगा, तो प्लेटफॉर्म स्टैटिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लास्ट 24 आवर्स का डेटा आप यहाँ पे देख पाओगे। पेमेंट कंटेंट कितना है वो आप देख पाओगे। यूजर के रोल्स, न्यू यूजर का डेटा, रजिस्टर यूजर कितने हैं उसके, लास्ट 12 मंथ में आप देख सकते हो। 3 मंथ में देखना है, 3 मंथ का देख पाओगे, 6 मंथ का देख सकते हो। वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन, चेंज लॉग आपको देखने हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। मीडिया में आप जाओगे तो इसमें जितनी भी पोस्ट हुई है उसका डेटा आ जाएगा। सेटिंग्स, यूजर्स का डेटा आपको चेक करना है तो यूजर्स में जाके उसका पूरा मंथ वाइज भी डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसने जो भी अपलोड किया होगा। इसके यूजर का कंप्लीट डेटा यहाँ मिल जाएगा, नेम, ईमेल, यूजर नेम, अवतार, रोल क्या है, पब्लिक प्रोफाइल क्या रहेगा, प्रोफाइल का एक्सेस प्राइस क्या है, ईमेल वेरिफिकेशन कब हुआ था उसका डेटा, कब क्रिएट है वो सारा देख कर सकते हो। डिलीट एडिट करना है, व्यू करना है, वो सारा यहाँ से व्यू भी हो जाएगा। आपको एडे डिलीट करना है वो यहाँ से सिंपली एडे डिलीट हो जाएगा। आइडेंटिटी चेक करनी है। इसके बाद रोल्स आ जाते हैं, तो एडमिन रोल, यूजर रोल है, आपको कोई अदर रोल भी बनाना है तो यहाँ से रोल्स बना के अपना स्टाफ परमिशन दे सकते हो, स्टाफ लॉगिन दे सकते हो, जिससे आपका जो स्टाफ रहेगा वो पूरा मैनेज करेगा। इसके बाद वॉलेट है, तो वॉलेट का डेटा देख सकते हो, यूजर की आईडी, टोटल कितना बैलेंस है, कितना उसने यूजर आईडी में ऐड किया हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, कितना उसने पे किया है, वो पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको व्यू आईडी डिलीट करना है वो भी हो जाएगा, बैलेंस को आप मैनेज कर सकते हो। ऐड न्यू करके जैसे हमें किसी यूजर के में वॉलेट में अमाउंट डालना है तो यूजर आईडी, टोटल कितना पेबल बैलेंस रहेगा, कितना एस्टैब्लिश तरीके से बैलेंस भी डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन का कंप्लीट डेटा आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, आपको कोई नोटिफिकेशन भेजना है वो भी भेज सकते हो। मैसेजेस है, तो जो इसका साइड में बॉक्स मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे मैसेजेस आप यहाँ पे देख पाओगे। सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, क्या मैसेज है, सीन हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है तो कितने लोगों ने किया, वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। व्यू आईडी डिलीट करना है,
इसके बाद अपने रिएक्शंस आप जिसने डाले रिएक्शन का डेटा चेक कर सकते हो। एनी रिएक्शन करना है तो यहाँ से यूजर आईडी की यूजर की पोस्ट आईडी पोस्ट कमेंट आईडी पे आप अपने रिएक्शन यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हो। इसके उसकी लिस्ट आ जाएगा तो लिस्ट आप यहाँ पे कम्प्लीटली चेक कर पाओगे। फॉलोइंग फॉलोअर्स डेटा उसने किसको फॉलो कर रखा है, कितना किसने ब्लॉक किया है, लिस्ट मेंबर यूजर के रिपोर्ट, फीचर यूजर रिपोर्ट यहाँ पे देख पाओगे, कितना पोस्ट है, पोस्ट की डेटा देख सकते हो, उसने क्या पोस्ट किया है, क्या टैक्स किया है, वीडियो किया है, वो सारा देख सकते हो। आपने अगर अप्रूवल किया है तो वो अप्रूव, क्योंकि जब बंदा डालेगा तो अप्रूव के लिए आएगा, वो जब वो अप्रूव होगा वो अप्रूव एडमिट करेगा, वो रहेगा पूरा सिस्टम। पोस्ट कमेंट यूजर रहेगा और यहाँ पे किसी ने सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है उसका डेटा यहाँ चेक कर सकते हो। ट्रांजेक्शन यहाँ देख पाओगे, विदड्रॉल का डेटा, पेमेंट रिक्वेस्ट का डेटा देख सकते हो। टैक्सेस हैं तो टैक्सेस आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। कंट्री है तो कंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। पेजेस आपको बनाने हैं, कॉन्टेक्ट मैसेज आपको बनाने हैं। इसके बाद आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग साइट का यूआरएल वगैरह आपको चेंज करने हैं, लाइट लोगो वगैरह, इनेबल कुकी वगैरह आपको करना है, डिफॉल्ट टाइम लॉक्स वगैरह मैनेज करना है, वो सारा आपको यहाँ से इजीली हो जाएगा। क्यूआर कोड जनरेटर ऑन प्रोफाइल आपको इनेबल डिसेबल करना है, वो कर सकते हो। वो सारे ऑप्शन है जिसे आप सिंपली स्टडी करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद पूरा इजिली क्लिक करके इनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो फिर है तो पोस्ट पर पेज कितना रहेगा, सजेशन बॉक्स का टोटल कार्ड, इस तरीके से वो मैनेज हो जाएगा। मीडिया मैसेज एंड नोटिफिकेशन के लिए पुशर की ऐप एपीआई आप लगा सकते हैं जिसके थ्रू वो पूरा वर्किंग रहेगा। इनवॉइस का सेंडर का नेम क्या रहेगा, वो इनवॉइस को आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। पेमेंट का आ गया, पेमेंट के यहाँ पे डिटेल्स चल जाएगी, जैसे कॉइनबेस है, स्ट्राइप है, पेपाल है और यहाँ पे लगे हुए हैं जिसको भी आपको यूज करना, आपको कीवर्ड डालनी है, उसका वर्किंग रहेगा। इसके मेल आपका यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, स्टोरेज यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, सोशल लॉगिन की लिंक्स आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे फेसबुक का लॉगिन से विदड्रॉल एंड डिपॉजिट मिनिमम मैक्सिमम आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे ऐड लगा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड भी चलाने हैं, यहाँ से ऐड चल जाएंगे, आपको केवल उसका डालना है तो साइड बार में जितने भी एड्स आप यहाँ पे डालते हो उसके बाद एड पूरा वर्किंग रहेगा। तो इसे बताने के लिए इतना ही है, कुछ भी डाउट क्वेरी रहता है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।